राजग राजग पूरी फिल्मी है बाला जबे है ब्यूटी की माला लगा पीरा ब्लेम को ताला फुर्र कर चबिया हमरी बिटिया है तो आज हमें निमकी मुखिया में से मुखिया निमकी के साथ तो आप क्या कहना चाहेंगे कहना तो कुछ नहीं चाहेंगे बस यहाँ बैठ के आज बताने वाले हैं काफी अपने कैरेक्टर के थ्रू ये सीरियल आपको कैसी दिखती है सी द ओनली थिंग इज व्हाट आई फील इज अगर आपको कोई रोल मिला है द ओनली टाइम यू कैन जस्टिफाई द रोल द ओनली टाइम आपका रोल किसी को पसंद आता है वो तब होता है जब आप वैसे ही होते हो या आप उसको कम्प्लीटली आपके अंदर वो बस चुका होता है तभी आप एक रोल अच्छे से कर पाते हो तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इट्स ओनली द लैंग्वेज पार्ट दैट आई हैड टू वर्क ऑन बिकॉज आई एम वेरी मच निमकी और ये बात मेरे नेचर में है एंड यू नो निमकी इज समवन जो दिल की बुरी नहीं है वो लेकिन मुंहफट है उसे कुछ पसंद नहीं आएगा तो मुंह पे बोल देती है एट द सेम टाइम वो बाद में सोचती भी है कि चल मैंने शायद ज्यादा बोल दिया है आगे से जाती हूँ एक बार सॉरी भी बोल देगी एट द सेम टाइम शी इज वेरी सेल्फिश इन द सेंस नॉट इन अ रॉन्ग वे सेल्फिश मतलब आज की जो जनरेशन है आज की जो लड़कियाँ हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट है और बहुत टू द पॉइंट है कि उन्हें यही चाहिए लाइफ में पढ़ाई करनी है उन्हें जॉब चाहिए उन्हें एक अच्छे घर में शादी करनी है उसमें कुछ बुरा नहीं है अनलेस यू नो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा मजबूरी है एक शादी में रहने के लिए या किसी अपने लॉस के यहाँ रहने के लिए तब जाके वो मजबूरी में रहता है बट आई थिंक आज की लड़कियां ऐसी द वन देयर समवन हु कैन स्पीक अप फॉर देमसेल्व्स नाउ एंड बिकॉज ऑफ द वुमन एम्पावरमेंट थिंग व्हिच हैज कम इन द पिक्चर इन द लास्ट फ्यू इयर्स लड़कियां काफी चेंज हो चुकी है और निमकी आज की लड़की निमकी इज अ ट्रू कैरेक्टर अगर आपको थिएटर को और अपनी सीरियल को एक साथ जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे कि क्योंकि यहाँ पे भी एक किस्म का थिएटर यहाँ पे भी प्रैक्टिस होता है थिएटर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो एक टाइप का थिएटर ये भी हो रहा है जिसको कैमरा लगा के हम शूट कर रहे हैं बस बाकी तो थिएटर ही है तो आप कैसे जोड़ेंगे एक सीरियल को अपने थिएटर के साथ सो आई थिंक यू नो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन टीवी एंड थिएटर और बिग स्क्रीन एंड थिएटर बिकॉज़ यू गेट टू गिव रीटेक्स यू गेट टू हैव योर time to you know develop a kind of an emotion before giving a shot but theater mein you're on stage you rehearse for months and you get that character right you get every single line improvise it aur aapke zehen mein baith jata hai wo ki aap ek baar bhi stage pe aake fumble nahi karte ya bhoolte nahi ho kyunki aap usko itna jee chuke hote ho itne baar kar chuke hote ho ki aapko wo aashanka rehti nahi hai but over here the only difference agar main dono ko milaun to there is so much more that we can learn from theater because I think kehte hain ki agar aap you know thodi si jaise aap 10th ka boards ka exam de rahe ho aur agar thoda sa tuition aap chale jaate ho to aapko help mil jata hai so theater is something like a guide I would not say ki har kisi ko karna chahiye only if you have the interest only if you want to definitely go ahead because it polishes you completely and hamare show mein bahut achhe characters hai bahut main characters hai जो सब जिनका पूरा बैकग्राउंड थिएटर का ही है तो हम ये सीरियल के और दो कैरेक्टर्स के साथ है अभी जो भाई और बहन है निमकी के भाई बहन और इनकी फर्स्ट सीरियल है इन्होंने थोड़े पहले प्लेस किए हैं तो उसके बारे में हम उनके बाद में पूछेंगे बट तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी सीरियल बहुत अलग तरीके से चल रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदर पता है कि निमकी प्रॉब्लम्स में है पर वो बता नहीं रही है और ये सब और पर आप वो बयान नहीं कर पा रहे और हमें जैसे टुन्ने को पूरी सच्चाई पता है कि दीदी किस प्रॉब्लम में है और हवेली में उनको कैसा ट्रीट किया जा रहा है हमें वो पता नहीं है बट अगर कभी भी टुन्ने अगर कुछ बोल देता है हमें कोई हिंट पता चलता है तो हमारी कोई फैमिली वाले टेंशन तुरंत ही कॉल करें रात को 12 बजे कुछ भी क्योंकि हमारी जो फैमिली है पूरी राम बच्चन फैमिली हम वैसा एक रिलेशन है और जैसे हमारे पापा को दिखाया गया जो हमारे पापा का कैरेक्टर राम बच्चन जी वो बहुत ही डिफरेंट है वो एक गांव में रहने के बाद भी वो अपने बच्चों को बहुत समझते हैं पूरी फ्रीडम दे रखी है उन्होंने हर मामले में वो अपने तीनों बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है कि घाट टोला जैसे गाँव में रह के भी जो जैसे अपर क्लास दिखा है जो हमारे कास्ट को सप्रेस माना जाता है घाट टोला वाले ट्रीट किया जाता है बट वहाँ पे पापा जिस उनका जो एक माइंड है एक माइंड सेट है और जो फ्रीडम हमें मिलती है तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है तो जो आपका जो कैरेक्टर है वो निमकी से थोड़ा सा अपोजिट है कि निमकी खुल के जीने वाली बंदी है तो शहर से वो आई है हाँ वो बॉलीवुड फुल और आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा जो पहले से गांव में रहे गांव में और सिंपल और मम्मी के मरने के बाद
क्योंकि मैं छोटी थी और दीदी ट्रॉमा में आ गई थी, तो उस टाइम से मैंने घर को संभाला. मेरा बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, फन लविंग, मतलब अपनी पूरी फैमिली से प्यार भी करती है, बट जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आवाज भी उठाती है. सिंपल होने के साथ साथ अगर उसके पापा को कोई कुछ बोल दे या अगर फैमिली पे कोई कुछ बोले तो वो आवाज भी उठाती है. तो आपने जैसे कहा कि आपने पहले एक थोड़े बहुत प्लेस किए दिल्ली में, तो लाइव परफॉर्म करना और कैमरा के सामने परफॉर्म करना क्या मजा है दोनों में? दोनों में एक्चुअली जब हम कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं तो अगर हमसे कोई मिस्टेक भी हो गई तो हम रीटेक दे सकते हैं, बट अगर आप लाइव अगर ऑडियंस बैठी है तो आपको वहां पे अगर कुछ गलती भी हो गई तो आपको वो ऐसा मैनेज करना पड़ता है कि वो पता ना चले. तो वहां पे जब मैं लाइव पेस मैंने जो थोड़ा बहुत किया हुआ है तो बहुत मजा आता है, क्योंकि आप उसमें जो आपका पूरा प्रोसेस होता है, रिहर्सल्स करते हैं साथ में सब मिलके अपनी लाइंस करते हैं, देन उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि आपको एक पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ता है कि जब ऑडियंस आए तो आप उनको इम्प्रेस कर सको, आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से डिलीवर कर सको. तो वो वहाँ पे कुछ थोड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ पे नो डाउट मेहनत भी ज्यादा लगती है, आपको लाउड बोलना पड़ता है, ज्यादा ऑडियंस है तो आप चाहते हो कि आप सब सुने, तो आपको अगर कुछ ऐसा रहेगा कि आपको विस्पर भी करना है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि दूर तक आवाज आए, तो वो कुछ डिफरेंट है. और जितना मेरा एक्सपीरियंस है लाइव परफॉर्म करने का या जो भी थोड़ा बहुत जो मैंने किया है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो आपने थिएटर के बारे में बहुत कुछ सुना है, थिएटर के बारे में सुना है और एक टाइप का थिएटर आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, एक फॉर्म है थिएटर का जिसमें चार दीवार के अंदर थिएटर किया जाता है एकदम छोटे से रूम में. मैं आपका माइक कर गया. तो एक फॉर्म है थिएटर का जिसमें आप चार दीवार के अंदर इतने छोटे से रूम में भी थिएटर परफॉर्म कर रहे हो, तो वो एक फॉर्म आप लोग फॉलो कर रहे हो सीरियल. चलो खाना खा, सॉरी. तो उसके तो वो जो प्रैक्टिस है थिएटर की यानी शूट, उसमें आपको क्या मजा आता है? और क्योंकि आपकी एज भी इतनी कम है पूरे का पूरे शायद पूरे कास्ट और सबसे छोटे एलिना भी है. हाँ, तो वो क्या मजा है सबसे छोटे होने का? तो एक अलग ही मजा आता है सेट पे, तो उसका क्या मजा है? सबसे अच्छा लगता है जब सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं. मैंने इससे पहले बहुत कम खाया थिएटर, तो मैंने बस सुना है कि ऐसा होता है. प्रियांशु भी ऑलवेज मींस हमेशा बताते रहते हैं कि प्ले ऐसा होता है, बहुत फनी फनी प्ले भी बताते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्ले भी बताते हैं. ऐसा लगता है कि एक बार बस प्ले देखना तो है, उसके बाद ट्राई करना है. मुझे एक बार थिएटर ट्राई करना है, तो मैंने प्रियांशु भी ऐसे कहा है कि अगर जब भी आपका थिएटर होगा तो मुझे प्लीज बुलाना. तो आपको क्या लगता है थिएटर में जाना ज्यादा टफ होगा या सीरियल में जाना ज्यादा? थिएटर में जाना ज्यादा टफ होगा क्योंकि वहाँ पे रिटेक्स नहीं होती है, जो भी करना है ऑन द स्टेज करना, ऑन द स्पॉट. अगर कुछ ये मतलब कुछ गलती भी हो गई तो आपको ऐसे भी दिखाना है कि गलती हो गई, नर्वस नहीं होना है कि आपको सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं सब. अगर इसमें थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे हो गया तो सब ऑडियंस तो समझ ही जाएगी.